हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जया। स्टूडेंट्स, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न आवर यूनिट फर्स्ट पोएम। सो लेट्स बिगिन द पोएम। सो स्टूडेंट्स, आवर पोएम इज द पैडलिंग पूल, तैरता हुआ पूल। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, नदी के तरफ स्कूल के रास्ते में। We have to pass by the paddling pool. हम लोग को पास करना है तैरते हुए पूल के द्वारा। By the paddling pool, तैरते हुए पूल के द्वारा। The grass is green, घास हरी है। And the water cool, और पानी ठंडा है। एंड वी स्टे टू प्ले, और हम वहाँ पे खेलने के लिए रुकते हैं। बाय द पैडलिंग पूल, तैरते हुए पूल के द्वारा। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, नदी की तरफ स्कूल के रास्ते में। ओके स्टूडेंट्स, द पोएम इज डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल। वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल, The grass is green and the water cool, and we stay to play by the paddling pool, down by the river on the way to school. Okay, students, आपको इस poem को पढ़ना है और फिर उसको remember करना है और उसको अपने notebook में note करना है. Okay, now students, please turn the page. Now students, this is our practice work. So let's begin the practice work. Fill in the blanks with the words given in the brackets. इस brackets में जो words दिए गए हैं उसका use करके आपको इन खाली जगहों को fill करना है, उसको भरना है. So let's start. पहला है boats. तो boats में क्या होता है? नावें. तो स्टूडेंट्स, सेल, सेल इज द राइट आंसर, क्योंकि सेल मिस होता है खेना. सो वी विल फील हियर सेल. ओके, नाउ नेक्स्ट डॉग्स. डॉग्स मिस क्या होता है? कुत्ते. तो कुत्ते, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं. सो वी विल राइट हियर बार्क. नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, बच्चे. चिल्ड्रन प्ले, प्ले इज द राइट आंसर, बच्चे खेलते हैं. सो विल राइट हियर प्ले. ओके, नाउ नेक्स्ट बेल्स. बेल्स मीन्स होता है घंटियां. तो बेल्स रिंग, घंटियां बजती हैं. सो वी विल फील हियर रिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट बर्ड्स, चिड़िया. तो बर्ड्स सिंग, चिड़िया पक्षियां गाती हैं. तो सिंग इज द राइट आंसर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक. यू कैन बिगिन विथ संडे. आपको यहाँ पे वीक के डेज के नेम लिखने हैं, सप्ताह के दिनों के नेम नाम लिखने हैं. आप इसके लिए संडे से शुरू कर सकते हो. सो आवर फर्स्ट डे इज संडे. ओके, सेकंड डे इज मंडे, थर्ड वन इज ट्यूसडे, फोर्थ वेडनेसडे, फिफ्थ थर्सडे, सिक्स फ्राइडे, एंड लास्ट वन इज सैटरडे. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सप्ताह के दिनों के नेम लिखने हैं. आप उसको संडे से शुरू कर सकते हो. तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सात दिन होते हैं. तो आपको सातों दिनों के नेम लिखने हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. नाउ नेक्स्ट
हल्दी रोट हर नेम एट स्कूल इन दिस वे. हल्दी, सी मेड वन मिस्टेक, व्हाट वाज इट. हल्दी ने स्कूल के रास्ते में अपना नेम लिखा है, ये नेम लिखा है तो इसमें उसने एक गलती की है, वो क्या है. राइट हर नेम करेक्टली, आपको उसका नाम सही करके लिखना है. तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहाँ पे हल्दी ने अपने नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर किया हुआ है, उसने यही मिस्टेक करी है. तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे, फिर उसके बाद उसका नेम हम लिख देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ राइट योर नेम करेक्टली, आपको अपना नाम सही से लिखना है. तो स्टूडेंट्स, आप जब अपना नेम भी लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना. ओके, नाउ नेक्स्ट, हल्दी रोट, आई मेट अ जिराफ, सी मेड टू मिस्टेक्स, व्हाट आर दे. राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली. हल्दी ने जो लिखा है आई मेट अ जिराफ, इसमें उसने दो मिस्टेक कराया, व्हाट आर दे. राइट हल्दी सेंटेंस करेक्टली, आपको हल्दी के सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है. सो स्टूडेंट्स, द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, ऑल्सो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, दस शुड बी इन द कैपिटल लेटर. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इस वर्क को, प्रैक्टिस वर्क को प्रैक्टिस करना है, उसको बनाना है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल. व्हाट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल, पुट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो. आप स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हो, आपको जो सही है उसके लिए यस लिखना है और जो गलत है उसके लिए नो लिखना है, एन लिखना है. तो जो सही है उसके लिए वाई और जो नहीं है, मतलब गलत है, नो है, उसके लिए एन. तो आप स्कूल जाने के पहले क्या क्या करते हैं, हैव अ बाथ, स्नान करते हैं, यस सो विल राइट हियर वाई. फिर एक क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पे चढ़ते हैं, नो सो विल राइट हियर एन. प्ले इन द पार्क, नो सो विल राइट हियर नो. फिर एक कम्ब योर हेयर, यस सो विल राइट हियर वाई. नाउ स्टूडेंट्स, फीड द बर्ड्स, यस सो विल राइट हियर वाई. नाउ हेल्प टू मिल्क अ काउ, नो सो विल राइट हियर एन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज टर्न द पेज. फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर, आपको इन खाली जगह को भरना है बिफोर और आफ्टर से को फील करते हुए. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड. तो हम लोग खाना खाने से पहले अपने हैंड को वॉश करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग बिफोर लिख देंगे. बिफोर मिस होता है पहले और आफ्टर मिस होता है बाद में. ओके, सो बिफोर इज द राइट आंसर. फिर नेक्स्ट है आपका, डैश रीचिंग स्कूल आई सीट इन क्लास. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप स्कूल में पहुँचने के बाद क्लास में बैठते हो. सो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर, आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल में पहुँचने के बाद. सो यू विल राइट हियर आफ्टर. नाउ नेक्स्ट, ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ. आफ्टर ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ, खाना खाने के बाद मैं अपने मुंह को वॉश करता हूँ, धोता हूँ. तो आफ्टर यहाँ पे भी फील होगा. फिर आपका, डैश रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क.
आफ्टर रीचिंग माई होम आई डू माई होमवर्क, स्कूल से सॉरी घर पहुंचने के बाद मैं अपना होमवर्क करता हूं, तो यहां पर भी आफ्टर हो जाएगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट में यहां पे बिफोर, उसके बाद सेकंड में भी आफ्टर, थर्ड में भी आफ्टर और फोर्थ में भी आफ्टर। ओके नाउ नेक्स्ट लेट सिंग, इसको गाना है, ये पोयम दिया हुआ है, इसको को गाना है। जैसे बेल्स, डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, डिंग डोंग इट्स अ होलीडे, डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले। ओके नाउ स्टूडेंट्स प्लीज टर्न द पेज। What is the sound of your school bell? आपके स्कूल बेल का साउंड कैसा है? तो हम लोगों को पता है टन टन, सो टन टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कैन यू मेक साउंड ऑफ डिफरेंट बेल्स डैट यू हैव हियर्ड, क्या आपने जो बेल्स के साउंड को सुना है उसका साउंड बना सकते हो? जो आपने तरह तरह के साउंड सुने हैं क्या उसको बना सकते हो? तो इसको आपको खुद से करना है। नेक्स्ट डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, ट्राई एंड मेक द साउंड ऑफ ए। सो फर्स्ट वन इज फोन बेल, तो फोन बेल कैसे करता है उसका आवाज, ट्रिंग ट्रिंग। नेक्स्ट डोर बेल, टिंग टोंग। नेक्स्ट काउ बेल, टिन टिन। नेक्स्ट हॉर्स बेल, टन टन। नेक्स्ट बस बेल, टन टन। ओके नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर्स गिव इन द बॉक्स। फर्स्ट वन इज ग्रैप्स, तो ग्रैप्स का पहला लेटर होता है जी, सो विल फिल हियर जी। नेक्स्ट इग्लू, सो विल फिल हियर आई। नेक्स्ट रैबिट, सो विल फिल हियर आर। नेक्स्ट एप्पल, सो विल फिल हियर ए। नेक्स्ट फ्रॉग, सो विल फिल हियर एफ। नेक्स्ट फिश, सो विल फिल हियर एफ। एंड नेक्स्ट वन इज एनवेलप, सो विल फिल हियर ई। ओके नाउ स्टूडेंट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू स्पेल्ड, सो यू राइट हियर जिराफ। ओके आपको यहाँ पे क्या मिला है, तो जिराफ, जिराफ इज द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लासेज।